चलिए तो इसी में शुरू कर लेते बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है और आज फिर से आदिवासियों के बीच यहाँ पर पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आपको बता दें कि आज फिर से आदिवासियों के बीच पहुंचने वाले सरकार की आदिवासियों को साधने पर पूरी नजर है और इसी के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलीराजपुर का दौरा है। अपने आप में बेहद खास ये दौरा हो जाता है। आपको बता दें कि अलीराजपुर में पारंपरिक भगोरिया उत्सव में शरीक होने वाले हैं सीएम और हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें कई दिग्गज शिरकत करने वाले इस पूरे कार्यक्रम में। आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव भी है, चुनाव के लिहाज से बेहद खास ही पूरा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि हालांकि हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और आज यहाँ पर सीएम शिवराज पहुंचेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। सरकार की आदिवासियों पर पूरी नजर है और उनको साधने की जो कोशिश है चुनाव से पहले वो देखी जा रही है। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। अलीराजपुर का ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है क्योंकि भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। ये भी बताते चले कि इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो भोपाल से खबर, आज फिर आदिवासियों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। सरकार की आदिवासियों को साधने पर पैनी नजर बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच जा रहे हैं और इसी कड़ी में अलीराजपुर का ये दौरा अपने आप में बेहद खास। तो अलीराजपुर में पारंपरिक भगोरिया उत्सव में शरीक होंगे, हर साल की तरह इस साल भी मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कई विधायक और मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसको लेकर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी की निगाहें भी बनी हुई है क्योंकि भव्य कार्यक्रम का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आज अलीराजपुर का दौरा है सीएम का, बेहद खास है, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, होली के पहले आदिवासी वर्ग का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मेला अलीराजपुर में लगता है और यही वजह है कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मेले के आयोजन में जा चुके हैं और अब मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंच रहे हैं। आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगोरिया उत्सव मेले में पहुंचेंगे। लगभग 1.5-2 घंटे वो वहां रहेंगे, लोगों से मेल मुलाकात करेंगे, आदिवासियों से मेल मुलाकात करेंगे और जो पारंपरिक भगोरिया नृत्य महोत्सव होता है उसमें शामिल रहकर वहां पर होली भी खेलेंगे लोगों के साथ। इसके बाद धार का दौरा है मुख्यमंत्री का, 2:30 बजे लगभग धार पहुंचेंगे और धार पहुंचकर जो मुख्यमंत्री वॉलंटियर्स हैं, तमाम सरकारी योजनाओं का, विकास यात्राओं का फीडबैक उन योजनाओं के जो वॉलंटियर्स हैं उनसे वो लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ब्रिजेश, अपने आप में बेहद ये पूरा खास कार्यक्रम, आने वाले समय में चुनाव भी है। ब्रिजेश, कहा जा सकता है कि अभी से यहाँ पर आदिवासियों को साधने की कोशिश जो है वो सरकार की देखी जा रही है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए लगातार आदिवासियों को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी, आदिवासियों के बीच गए थे, बड़े सम्मेलनों का आयोजन हुआ था और इसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वे खुद आदिवासियों के बीच रहे, तो इसे चुनावी तैयारी ही कहा जाएगा। ब्रिजेश, इसमें जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि सीएम शिवराज के अलावा कौन कौन से वो तमाम स्थानीय मंत्री और विधायक होंगे जो इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है अलीराजपुर झाबुआ के, वो उस समय मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। आज मुख्यमंत्री का जो 2 शहरों में दौरा है, एक अलीराजपुर में है और एक धार में, जैसा मैंने बताया, दोनों ही जगह पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाई गई है। ठीक ब्रिजेश, बने रहिएगा और भी खबरों पर जानकारी।